Hello everyone, I am Dilapsa, your mentor, and I welcome you once again to another session whereby today we are going to discuss an article that came in the Indian Express newspaper. So, usme bahut acche tarike se unhone ye explain karne ki koshish kari thi that finally our economy has overtaken the United Kingdom's economy in order to become the fifth largest economy in the country. तो इसके बारे में समझते हैं. इसके अलावा वी ऑल्सो ट्राई टू एनालाइज क्या जीडीपी एक ऐसा बस एक ऐसा मेजर है दैट वी शुड फोकस ओनली ऑन जीडीपी और आर देयर अदर पैरामीटर्स. व्हाट अबाउट हेल्थ, व्हाट अबाउट पॉपुलेशन, व्हाट अबाउट पर कैपिटल इनकम, पर पर्सन की इनकम कितनी है, या फिर आपकी व्हाट आर योर रैंक्स इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे आज के इस वीडियो में. So let's get started. But before that, if you have not downloaded our app, you can do so by going on to the Google Play Store. वहाँ पे अनुज जिंदल इन टाइप कीजिए. This app is surely going to leverage your performance क्योंकि आपको यहाँ पे past year paper analysis, daily quizzes of our strategies के अलावा आपको यहाँ पे सारे current affairs वगैरह भी मिलेंगे, right? So please go to the Google Play Store and download this. So let's get started with the topic. First and foremost, ये data किसने launch किया है? So this data has been given by Bloomberg Calculations. अब जो देखो, Bloomberg is an organization and this organization has tried to calculate and present us the picture of the most largest economy or the biggest economy in the country. और इसके लिए दे हैव टेकन सर्टेन डेटा. दिस डेटा हैज बीन टेकन फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ. आपको पता है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, सो यू कैन से इट इज एन एक्यूरेट डेटा. उसके अलावा दे हैव आल्सो टेकन हिस्टोरिक एक्सचेंज रेट्स, ठीक है, कंट्री के बीच में जो एक्सचेंज रेट्स है बिटवीन ऑल ओवर द कंट्री, यूएस ले लो, इंडिया ले लो, यूके ले लो, इन सबके बीच के एक्सचेंज रेट्स को लेके इन्होंने कैलकुलेट किया. एंड अकॉर्डिंग टू देयर फाइंडिंग्स, India has made its name to the list of the top most top five largest economy in the country. ठीक है, तो अगर अब हम आपकी बात करें तो पहले जो largest economies हैं in the world, then we have the United States at first, then we have China, Japan, Germany and United Kingdom. Now United Kingdom has moved to sixth. On the fifth number it is India. India हमारी फिफ्थ नंबर पे आ गई है. इट इज ऑब्वियसली अ माइलस्टोन दैट हैज बीन अचीव्ड बाय इंडिया बिकॉज हमने यूनाइटेड किंगडम, द कंट्री दैट रूल्ड अस फॉर मोर देन 200 इयर्स, उसको हमने सरपास किया है, राइट? वी हैव ओवरपास्ड अ कंट्री दैट रूल्ड अस फॉर मोर देन 200 इयर्स एंड फाइनली वी आर एट द फिफ्थ नंबर. वी आर द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एज यू ऑल नो. हमारा जो ग्रोथ रेट है, आवर ग्रोथ रेट हैज बीन मोर देन 7% ओवर द इयर्स एक्सेप्ट फॉर सर्टेन डिसरप्शंस एंड अनसर्टेनिटीज दैट वर कॉज्ड बाय द डिसरप्शंस विद द कोविड-19 पेंडेमिक शॉक्स एज वेल एज द रीसेंट रशिया यूक्रेन क्राइसिस, जिसकी वजह से थोड़ा डिस्ट्रप्शन आ गया. बट आर इकोनॉमी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और ये कहा जा रहा है दैट बाय द कमिंग इयर्स आर इकोनॉमी इज गोइंग टू ओवरपास अदर इकोनॉमीज और हम थर्ड पोजिशन तक भी पहुंच सकते हैं. अगर हम इसी रेट पे चलते रहे देन बाय द एंड ऑफ 2029 वी विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम बिगेस्ट इकोनॉमी, लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करें, ऑन वॉट पैरामीटर आर वी टॉकिंग अबाउट दिस, राइट? सो द पैरामीटर दैट कंट्रीज यूज, दैट द ऑर्गेनाइजेशंस यूज टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ द साइज ऑफ द इकोनॉमी इज जीडीपी. अब जीडीपी क्या होता है ये आप अपने ESI की क्लास में अच्छे से पढ़ोगे. यहाँ पे मैं आपको बस ब्रीफ में बता देती हूँ. जीडीपी स्टैंड्स फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज है दैट अ कंट्री प्रोड्यूसेस विद इन इट्स डोमेस्टिक टेरिटरी. अपने टेरिटरी के अंदर, इंडिया की जो फिजिकल बाउंड्री है उसके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसके मार्केट वैल्यू को हम जीडीपी बोलते हैं. टोटल प्रोडक्शन कितनी है आपकी कंट्री में, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स योर जीडीपी, ठीक है? तो
तो जीडीपी आपको समझ आ गया। जीडीपी के बेसिस पे ही वी ट्राई टू कंपेयर कि कौन सी इकोनॉमी किस इकोनॉमी में किस कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। द मोर यू प्रोड्यूस द मोर इज द कंजम्पशन, द मोर यू कैन आउटसोर्स राइट, एंड देयरफॉर योर इकोनॉमी ग्रोस। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी इकोनॉमी फिफ्थ नंबर पे आ गई है। इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, अब इन्होंने एक्सचेंज रेट को यूज करके डॉलर टर्म्स में बताने की कोशिश करी है, तो व्हाट इज द साइज of our economy as well as our counterpart that is the United Kingdom's economy. India ki baat kare, India's economy stands at $854.7 billion. theek hai, aur wahi pe jo UK ki economy hai unki $816 billion hai. aur ye jo calculation hai ye current prices as of now, abhi ke prices ki basis pe kiye hai. aapko pata hai GDP ko aap either current prices pe nikal sakte ho, aaj ki jo price hai, ya fir aap apne कॉन्स्टेंट प्राइसेस पे निकाल सकते हो। सपोज 2011 आपने एक बेस ईयर लिया, उसके बेसिस पे आपने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, इसकी इसके बारे में डिटेल में आप अपनी ASI क्लासेस में ऑब्वियसली पढ़ोगे। आई होप आपको यहाँ पे जीडीपी का कंसेप्ट समझ आ गया और आपको साइज पता चल गई कैसे हमने यूएस को ओवरटेक करके वी हैव बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब बात करते हैं डायग्राम की बात है। नाउ यू शुड नेवर बी अफ्रेड ऑफ गोइंग थ्रू द डायग्राम। जब भी डायग्राम देखो ऐसा नहीं कि इसको स्किप करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट बिकॉज डायग्राम के थ्रू आप अच्छे से प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट कर सकते हो चीजों को। सेकेंडली बहुत ज्यादा याद रहता है हमें। सो एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस डायग्राम और दिस पिक्चर सी राइट। सो वी टॉक अबाउट दिस ग्राफ। नाउ दिस ग्राफ हैज shown the projection of GDP growth, कि GDP की कितनी growth होगी in the coming years. तो यहाँ पे उन्होंने 2026 तक की data दी है, and according to this data, you can see, first, पहले समझते हैं कि ये दो जो lines है, ये क्या depict करते हैं? The green one talks about United Kingdom, Britain, and the white one talks about India. ठीक है, उनकी growth को, उनकी economy की growth को दिखा रही है। And these are the projections, the red one for Britain and the green, this one, this is for India, the white one. As you can see that in the coming years, India's economy, India ki jo growth hai, wo aur zyada overpass karne wali hai, overturn karne wali hai UK ki economy ko, as it is clear from this graph. And with the coming years, this gap, ye jo gap hai in dono ke beech mein, it is going to further enlarge, वो और ज्यादा widen होती जाएगी, right? And this is the reason why we are saying that because of the growth rate of India, our economy will surpass other countries as well, and we will reach at the third position by the end of 2029. Now let's move to the next picture. अब इतना समझ आ गया कि हमारी जो GDP है वो UK की GDP से ज्यादा है, कुछ 654 के आसपास हमारा जीडीपी की ग्रोथ, जीडीपी है, टोटल प्रोडक्शन है इन मॉनेटरी टर्म्स राइट। नाउ इज दिस इनफ टू अंडरस्टैंड कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है? पर अगर आप रियलिटी देखो, अभी भी आप देखोगे यूके का 1% उठाओ और इंडिया के 1% उठाओ, आपको उन दोनों के बीच में वास्ट डिफरेंसेस देखने को मिलेंगी। सो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द पर्सन रिसाइडिंग इन यूनाइटेड किंगडम एंड इन इंडिया। What are the reasons for this vast differences? If we are the largest growing economy, if we are at the fifth number, then why the people of India are so poor? Why the standard of living of people in India is less as compared to what it is in UK? So, इसको समझने के लिए we need to compare both the countries. So, according to this newspaper, they have taken five parameters. In five parameters को use करके हम ये समझेंगे कि despite India becoming the fifth largest economy in the world, there are other sectors, other sides, other parameters where India needs to work hard. India को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा उन segment में, उन parameter में, in order to be truly called a developed and a sustainable country. अगर आपको largest economy बनना है, आपको developed बनना है, rich economy बनना है, for that you need to also work on the quality of life that you are providing to the population, to the citizen, to the netizen of your country. Okay? So, talking about the very first parameter. So, first of all, we'll talk about population.
अब इस पिक्चर में आपको यहाँ दिख रहा होगा, दिस इज द साइज ऑफ इंडिया पॉपुलेशन एज यू कैन सी राइट. सो दिस इज द साइज ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इन कंपैरिजन टू दिस, दिस इज द साइज ऑफ द यूके पॉपुलेशन. आप देख सकते हो पॉपुलेशन के टर्म्स में देयर इज अ वास्ट डिस्पैरिटी, कितना ज्यादा गैप है इंडिया और यूके के बीच में. एंड सेकेंड पैरामीटर दैट वी विल टॉक अबाउट इज द पर पर्सन इनकम, रियल जीडीपी पर कैपिटा, हर इंसान का ऑन एन एवरेज कितना प्रोडक्शन, उस प्रोडक्शन का कितना इनकम हर पर्सन के पास है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड दिस इज द ओनली इंडिकेटर दैट शोज द रियल पिक्चर, व्हाट इज द इनकम दैट इज कमिंग इन द हैंड्स ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ यूके. ठीक है, वी ऑल्सो टॉक अबाउट द हेल्थ फैक्टर्स, हेल्थ के मामले में हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं एंड हाउ इज यूके परफॉर्मिंग एंड व्हाट इज द प्रोस्पेक्ट्स फॉर द फ्यूचर. देन वी विल टॉक अबाउट पॉवर्टी, व्हाट इज द लेवल ऑफ पॉवर्टी इन यूके एंड इन इंडिया, वेदर इंडिया हैज इंप्रूव्ड और नॉट. एंड फाइनली वी विल टॉक अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. As you all know, Human Development Index talks about development at three levels. First, having a long and a healthy life, your life expectancy, आप कितना लंबा जीते हो, because you are having a healthy life. Second is knowledge, whether you have studied or not, whether you had a decent level of education or not, right? How many years of schooling you have done, and all of these. And third is a decent standard of living. What is the income that you are having in your hand? What is the GNI, what is the GDP per capita that you are having in your hand. So based on these factors, Human Development Index is calculated. And you know this data, this report is presented by the United Nations Development Program. UNDP ये data release करता है and this is important. आपको पता होना चाहिए कौन सी organization कौन सी report ला रही है. तो इन सब के बारे में समझेंगे एक बाद एक. सो लेट्स फर्स्ट टेक द फर्स्ट फैक्टर. द फर्स्ट इज द पॉपुलेशन साइज. हमें पता है इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. सो दिस इज द एजेंसी आर वर्ल्ड इन डेटा दैट हैज टेकन इंफॉर्मेशन फ्रॉम सर्टेन सोर्सेज एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन सी दैट इन द कमिंग इयर्स देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज गैप बिटवीन इंडिया and United Kingdom. India और United Kingdom के बीच में huge gap आने वाली है and this gap will be more than 20 times. 20 times से भी ज्यादा ये gap रहेगा. Population India की और ज्यादा increase होने वाली है. As you can see, India की population as of 2022 के बाद के लिए India की population 140 crores है, 1.41 billion. While if we talk about the United Kingdom, उनकी population 68.5, around 6 to 7 crores only, right? So more than 20 times हमारा जो population है वो UK से ज्यादा है. That means we have more mouths to feed in comparison to that of US. Now let's talk about the second factor. Yeah. The second factor is GDP per capita. अब जितना भी जीडीपी एक कंट्री की है उसको हम उसके पॉपुलेशन से अगर डिवाइड कर दें, फिर डिवाइड द टोटल जीडीपी ऑफ अ कंट्री, इफ यू डिवाइड द टोटल जीडीपी ऑफ अ कंट्री बाय इट्स पॉपुलेशन, देन दिस इज नोन एज जीडीपी पर कैपिटा, पर पर्सन कैपिटा. हर इंसान के हाथ में कितना पैसा आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो, देर इज रुपीज 10 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द फैमिली मेंबर्स, फैमिली ए एंड फैमिली बी. Family A के पास बस दो members हैं, just two members in family A, family B has 10 members, 10 लोग हैं. Family A के पास per person कितना पैसा आएगा, 10 रुपए दो लोगों में, 5 रुपीज ईच. Family B 10 रुपीज 10 people, 1 रुपी ईच, 5 and 1. सो यू कैन सी द लेवल ऑफ इनकम. ऐसे ही देख सकते हो फैमिली ए इज यूके, अगर उनकी 5 रुपीज पर पर्सन है, इंडिया की कुछ 1 rupee per person है. So this is a level of income and this is the measure, this is the index that shows the real scenario, the real story. ठीक है, अगर हम बात करें GDP per capita की ranking के बारे में, that India has ranked 122. हमारी ranking बहुत पीछे है in comparison to other countries. अब इस graph को देखो, इस graph में आपको दिखेगा कि United Kingdom की जो per capita income है, it is much more than even the world average. World average कुछ $18,000 per person है and
The United Kingdom's income is more than $40,000 per person. वहाँ की average हर पर्सन की इनकम $40,000 से ही भी ज्यादा है. बट टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया हैज मच लेसर. वी आर एट अराउंड $2,000 पर पर्सन. अगर एंड दैट्स व्हाई वी सी दैट वी आर नॉट अ हाई इनकम इकोनॉमी. मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था दैट कैन इंडिया बिकम अ हाई इनकम इकोनॉमी बाय द एंड ऑफ 5 years. जब हम अपना 100th एनिवर्सरी, इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी मना रहे होंगे, उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हो इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस दिस बाइफर्केशन ऑफ वेदर अ कंट्री इज अ हाई इनकम इकोनॉमी और अ लो इनकम इकोनॉमी. वॉट आर द पैरामीटर्स, हाउ इट इज डिसाइडेड, वॉट इज द इनकम लेवल एंड वॉट इज द ग्रोथ रेट रिक्वायर्ड फॉर एनी इकोनॉमी टू रीच टू द डेवलप्ड नेशन कैटेगरी. उन सबके बारे में आप वहां पढ़ सकते हो. बट यू कैन सी कितना वास्ट डिफरेंस है. जो एक एवरेज इंडियन इंसान की जो इनकम है, इट इज फार मच लोअर देन दैट ऑफ यूनाइटेड किंगडम. नाउ द नेक्स्ट इंडिकेटर, द नेक्स्ट पैरामीटर इज पॉवर्टी. पॉवर्टी आपको पता है, दिखाता है वेदर यू हैव बेसिक बेसिक नीड्स, वेदर योर बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड और नॉट, बी इन टर्म्स ऑफ फूड, हाउसिंग और शेल्टर. तो दिस इज बेसिक पॉवर्टी. और आपको पता है अगर आपकी पर पर्सन इनकम इतनी कम है, देन ऑब्वियसली योर द लेवल ऑफ इनइक्वालिटी इन योर इकोनॉमी विल बी इंक्रीजिंग, एज वेल एज पॉवर्टी इन योर इकोनॉमी विल बी इंक्रीजिंग, राइट. तो अगर हम बात करें एंड इफ यू सी एट दिस पिक्चर, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इस पिक्चर में देखेंगी. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये देखो, दिस इज यूनाइटेड किंगडम एंड दिस इज इंडिया. अगर हम एट द स्टार्ट ऑफ 1900s की बात करें, एट द स्टार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, आप देखोगे कि यूनाइटेड किंगडम की जो, एंड दिस इज इंडिया, विच वन इज इंडिया, दिस इज इंडिया एंड दिस इज यूनाइटेड किंगडम. तो एट वन पॉइंट इन टाइम यूनाइटेड किंगडम की पॉवर्टी लेवल इंडिया से ज्यादा थी. यू कैन सी यूनाइटेड किंगडम पॉवर्टी वॉज अराउंड 77-78% एंड इंडिया पॉवर्टी लेवल वॉज अराउंड 71-72%. ठीक है, तो ये लेवल था. बट इफ यू सी टूडे, इफ यू सी द पिक्चर टूडे, यूनाइटेड किंगडम पॉवर्टी इज लेस देन 5%. 2-3% की पॉवर्टी है यूनाइटेड किंगडम में. एट द सेम टाइम वी टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया की पॉवर्टी अराउंड 10% है. अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने एक डेटा रिलीज किया था. रिसेंटली वर्ल्ड बैंक रिलीज अ डेटा in the month of April only, whereby it stated that the level of poverty in India is around 10% of its total population. अब देखो हर कंट्री या हर ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट वेज होते हैं पॉवर्टी को कैलकुलेट करने के लिए. वन डू नॉट नो वट पॉवर्टी एक्चुअली मीन्स. फॉर वन पर्सन पॉवर्टी कुड बी नॉट हैविंग फूड, फॉर अदर पर्सन पॉवर्टी कुड बी नॉट हैविंग शेल्टर, राइट, नॉट हैविंग फूड एज वेल एज शेल्टर. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर अदर parameter, other index that talks about poverty at a broader level, that talks about not having food, clothes, shelter. Apart from that, education, access to education, access to good health. So all of these are also parameters. We are not having these basic necessities. Even electricity, agar aapke paas electricity nahi hai, aap poor ho, right? So there can be different parameters based on which different indexes could be calculated. World Bank ke according, हमारा जो पॉवर्टी लेवल है वो अराउंड 10% है. इफ यू टॉक अबाउट द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अगर हम एमपीआई की बात करें, देन अकॉर्डिंग टू एमपीआई इंडिया पॉवर्टी इज अराउंड 25%. दैट इज 1/4 ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज बिलो द पॉवर्टी लाइन. बट ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इट टेक्स इन टू अकाउंट, इट एनकंपासेस सर्टेन पैरामीटर्स सच एज इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, उसके अलावा एजुकेशन, सैनिटेशन, हेल्थ, राइट. इट नॉट ओनली टॉक्स अबाउट फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, अपार्ट फ्रॉम दैट टॉक्स अबाउट वेरियस अदर थिंग्स. तो उस बेसिस पे वी कैन से दैट यस, इंडिया की जो पॉवर्टी है वो 25% है. बट इफ यू टॉक अबाउट द वर्ल्ड बैंक विच क्लासीफाइज, अगर किसी इंसान की पर डे इनकम $19 से कम है, देन दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड टू बी पुअर. आई होप पॉवर्टी आपको समझ आ गया होगा. आज की पोजीशन की बात करें, देन इट इज गोइंग टू टेक टाइम फॉर इंडिया टू अचीव टू द लेवल ऑफ व्हाट यूनाइटेड किंगडम इज हैविंग, राइट.
नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. जैसे हमने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय यूएनडीपी, और ये बेसिकली 0 to 100 के बीच में एक नंबर प्रोवाइड करता है, राइट? 0 to 1, राइट? एंड द मोर यू मूव टुवर्ड्स 1, यू आर एक्चुअली बेटर ऑफ. टू टॉक अबाउट यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, यूनाइटेड किंगडम के कुछ 0.9 point something है. And we talk about India, it is around 0.6. So according to the 2019 data, UK की score थी 0.932 and in case of India is 0.645. Recently 2020-21 की data release की गई है. And according to this, India की जो score है वो और गिर चुकी है and it has went to 0.633. क्या रीजन हो सकता है इंडिया की एचडीआई में रैंक गिरने की? सो द मेन रीजन इज दैट इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया हैज डिक्रीज बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस, द पेंडेमिक दैट हैपेंड फॉर ऑलमोस्ट 2 years, जहां पे बहुत सारे डेथ देखने को मिले. बिकॉज ऑफ दैट, नॉट ओनली ऑफ इंडिया, ग्लोबली भी हम बात करें तो लोगों की एचडीआई वैल्यू गिरी है, राइट? एंड वी हैव ऑल्सो स्लिप्ड बाय 1 रैंक in the ranking of the HDI, and HDI is very, very important in order to gauge and understand the economy of any country. We talk about HDI, it is a summary that talks about 3 major dimensions. First is having a healthy life, longer expectancy life, right? Your life expectancy kya hai. Second, education. What is the number of years that you have attended the school? What level of education you are having? And third is the decent standard of living, your income level. What is the income that you are earning? What is the income in hand that you are having, that you are spending on yourself so that you can have a decent standard of living? ठीक है, I hope आपको समझ आ गया होगा. Now let's talk about health. हमने सारी चीजों की बात कर ली, अब health की बात करते हैं. तो health के लिए we have taken this universal Healthcare coverage index की use करेंगे, जिसके through we'll try to compare both India and the United Kingdom. इसके according if you see, then the United Kingdom, I hope it is clear to you and it is visible to you. United Kingdom की जो index value है, it is more than 80%. तो ये जो value आती है, 0 to 100 के बीच में दी जाती है. 0 stands for the worst performance and 100 stands for गुड और द बेस्ट परफॉर्मेंस. यूके की मोर देन 80 है और इंडिया की अराउंड 60-61 वैल्यू है फॉर द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स. एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि क्या क्वालिटी है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट पीपल आर लिविंग इन द कंट्री, दैट पीपल आर स्पेंडिंग, इट डिपेंड्स अपॉन योर हेल्थ. इफ यू हैव अ गुड हेल्थ, देन ऑब्वियसली योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी विल इंक्रीज. वहां इंक्रीज करेगा तो आपकी एचडीआई वैल्यू भी इंक्रीज करेगी. सो हेल्थ इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. और इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया हैज डन वेल. स्पेसिफिकली आफ्टर 2005-2010 हमारा ग्रोथ रेट काफी अच्छा रहा है हेल्थ के केस में. एंड दिस हैज बीन पॉसिबल मेनली बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज दैट आर बीइंग अंडरटेकन एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, प्रोवाइडिंग ऑफ सर्टेन बेनिफिट्स, सच एज बहुत सारी स्कीम्स लाए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू. आयुष्मान भारत स्कीम लाया गया, नेशनल हेल्थ मिशन लाया गया, जिसके थ्रू वी आर ट्राइंग टू कैटर एंड अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, नॉट ओनली ऑफ कम्युनिकेबल एंड अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट चाइल्ड हेल्थ, न्यू बॉर्न हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन सब की चीजों के बारे में भी बात की जा रही है इसमें. आई होप आपको समझ आ गया. अब बात करते हैं व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू द इंडियन इकोनॉमी. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमने पढ़ा कि इंडिया की इकोनॉमी है दैट हैज बीन ग्रोइंग मोर देन दैट ऑफ द यूके इकोनॉमी. बट एज वी हैव सीन दिस 5 factors, इन 5 factors के अकॉर्डिंग वी कैन सी दैट इफ यू टॉक अबाउट द लेवल ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट अ पर्सन इज हैविंग इन यूके इज मच फार बेटर देन व्हाट अ पर्सन इन इंडिया इज हैविंग. Even the poverty level is much less in UK as compared to India. HDI में भी हम बहुत पीछे हैं as compared to the United Kingdom. ठीक है, तो what are the issues related here? The first and foremost,
इट इज द पॉपुलेशन, वी हैव अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन और उस इन सबके माउथ को फीड करने के लिए वी नीड टू हैव मोर ऑफ प्रोडक्शन, मोर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्टिविटी. हमारा मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट कम है. एंड बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बींग लेस, there is less income in the hands of people. So all of these things are related. And agar hum teen major issues ki baat karein jo hamare Indian economy mein hai, the first is the slowdown or the slowdown in the export sector. Hamara jo manufacturing sector hai uski just 4.8% contribution hai in the export. And there has been an increase in the imports. Aapko pata hai, especially during these disruptions, jahan pe global supply chain has been disrupted, there has been a global economy slowdown, jiske wajah se increase in the prices of commodity as well as crude oil prices have resulted in increasing imports for a country like India, jiski 85%, whose 85% requirement of its energy or its crude oil is dependent on imports. ठीक है. सेकेंड इज अनप्रेडिक्टेबल वेदर. अगर आपने आज की न्यूज पेपर पढ़ी होगी देन द गवर्नमेंट हैज इम्पोज 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन राइस. राइस की एक्सपोर्ट पे उन्होंने 20% लगाया है. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट कम हो रही है, बट एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस और डिसइंसेंटिवाइज एक्सपोर्टर्स फ्रॉम एक्सपोर्टिंग राइस टू अदर कंट्री. व्हाई? Because of unpredictable weather, because of uneven monsoon. जो हमारे rice producing states हैं such as Bihar, West Bengal, Assam, in all of these states monsoon rainfall has been less, because of which rice की जो production है उसमें कमी देखने को मिली है. And if exporters are exporting all of these rice, then we can have a shortfall in the rice क्वांटिटी इन इंडिया. इसलिए इन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है. तो वेदर फॉर इंडिया स्पेसिफिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आर इकोनॉमी इज एन एग्रीकल्चरल लेड इकोनॉमी. एंड इफ यू डू नॉट हैव अ गुड वेदर देन द ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर एज वेल एज द रूरल डिमांड विल बी अफेक्टेड. थर्ड इज राइजिंग इन्फ्लेशन. बिकॉज ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन वी आर सीइंग दैट इंडियन इकोनॉमी हैज बीन फेसिंग problems such as increase in the price of goods and services, supply shortages ke wajah se jo global hum oil requirements jo hamari hain wo bahut mehenga mil raha hai. And you all know chahe crude oil le lo, petroleum le lo, these are the basic energy required to run the factory. Production karne ke liye inki zarurat hai. Agar ye mehenge milengi to jo प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करोगे वो भी महंगी हो जाएंगी, क्योंकि इनपुट्स द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल जो आप ले रहे हो, रॉ मटेरियल हमारा क्रूड ऑयल भी है, उसकी प्राइस ज्यादा होगी तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस ज्यादा होंगी. अगर कोई चीज महंगी होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, राइट? एंड वी आर सीइंग दैट फॉर द पास्ट 7 months, कॉन्जिक्यूटिव 7 months, हमारा जो इन्फ्लेशन है हमारे टारगेट से बहुत ज्यादा है. इट्स मोर देन 6%. एज यू ऑल नो हमारा टारगेट है दैट वी वांट टू हैव इन्फ्लेशन एट 4% विद प्लस और माइनस 2%. दैट इज जो हमारा बैंड है इन्फ्लेशन का, दैट शुड बी विद इन 2 to 6%. बट फॉर द कंसेक्यूटिव 7 months इन्फ्लेशन हैज बीन मोर देन 6%. ठीक है. तो यही सारी चीजें हैं, दिस आर द इश्यूज दैट द इंडियन इकोनॉमी इज फेसिंग, जिसकी वजह से जो हमारा ग्रोथ रेट है उसमें स्लो डाउन, उसमें अनसर्टेनिटीज देखने को मिल सकती है. And if these uncertainties are removed, then surely, as our Prime Minister has said during the Independence Day speech, we can be a developed country by the end of this 25 years on our celebration of the 100th anniversary of our independence. ठीक है, this was all that I wanted to discuss with you. I hope आपको समझ आ गया होगा. Now, what is the relevance? अब देखो, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो यू जस्ट स्टडी द हेडलाइंस. यस, आर इकोनॉमी हैज ओवरटेकन द यूके इकोनॉमी एंड वी आर एट द 5th नंबर. बट एक्चुअली दैट इज अ गुड न्यूज, इट्स अ माइलस्टोन अचीवमेंट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर थिंग्स एज वेल. वी नीड टू लुक एट डिफरेंट पैरामीटर्स, हेल्थ के कंटेक्स में, पॉवर्टी के कंटेक्स में, इनकम लेवल के कंटेक्स में, सस्टेनेबिलिटी के कंटेक्स में, इवन इंक्लूसिव ग्रोथ, इज देयर, वॉट इज द लेवल ऑफ इनइक्वालिटी इन योर इकोनॉमी. ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं, तभी आपके पास एक अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा, राइट? तो इफ यू आर प्रेजेंटिंग दिस फैक्ट्स इन द एग्जाम,
then obviously you are gonna fetch good marks. So this was all for today that I wanted to discuss with you. I hope you liked the session. In case of any doubt, you can always write it down in the comment section. Till then, keep learning and bye-bye.